अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का सिक्स चैप्टर वायरलेस कम्युनिकेशन। और जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास रेडियो सिग्नल और उसकी वर्किंग। फिर उसके बाद हमने देखना है रेडियो ट्रांसीवर क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक रेडियो सिग्नल क्या होता है, जान लेते हैं। सिग्नल जब भी हम बोलते हैं हमारे माइंड में आता है ऐसी एक वेव। ठीक है, ये वेव जो है हमारे पास माइंड में आती है कि हाँ सिग्नल इस तरह वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। लेकिन जो रेडियो वेव है ना, रेडियो सिग्नल, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे इनकी प्रोपगेशन होती है, मतलब जो प्रोपगेशन का मतलब है वेव्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं जा रही है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड्स है ना, ये आपस में क्या एंगल बनाती है, आपस में 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो दोनों फील्ड्स है ना, आपस में 90 डिग्री के एंगल में प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, इस तरफ। सो जब ये प्रोपगेशन करती हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, रेडियो वेव्स। ठीक है, और एक एंटीना रेडियो वेव के थ्रू, एंटीना लगा होता है ना हमारे पास, यहाँ एंटीना के थ्रू क्या होती है, ये ट्रांसमिशन करती है। और फिर हम जब हमारे पास एक रेडियो होता है, हम कहते हैं हमने रेडियो, रेडियो के ऊपर भी एंटीना लगा होता है ना, हमने कहा कि हमने अभी चैनल प्ले किया हुआ है 101, FM 101। तो FM 101 का मतलब है कि जो रेडियो की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, जब बाहर किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो वो रेडियो FM 101 आ जाता है। ठीक है, फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसी और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो हम कहते हैं FM 100 लगा हुआ है। फिर चेंज करते हैं चैनल तो 99 हो जाता है। फिर मतलब हम क्या करें, रेडियो की फ्रिक्वेंसी को, ट्रांसीवर को, सॉरी रिसीवर की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, हम ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, मैच कर रहे हैं। एंड ट्यूनिंग अ रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, हमने रेडियो रिसीवर इसको किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मैच करवाया। यू कैन पिक अप अ स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल, आप कोई भी स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल यहाँ से पिक कर सकते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास चैनल चेंज होते जा रहा है। ऑल द रेडियो फ्रिक्वेंसी आर एफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कम्पोनेंट्स, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है ना। ऑब्वियसली बात है, हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, अ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स रेडियो सिग्नल टू अ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर जाहिर है ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिसीवर है। जब ट्रांसमीटर करे, ट्रांसमीटर जो है रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या होगा, रिसीवर यहाँ से रिसीव कर लेगा। ठीक है, रिसीवर अर्थ पे पड़ा होगा, विच डिस्टेंस टू द सिग्नल, फॉर द सिग्नल एंड रिसीव इट। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स इंक्लूड सेट ऑफ रूल्स, और कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये जो ट्रांसमीटर है ना, एक सैटेलाइट भी हो सकती है। सैटेलाइट क्या करती है, रेडियो सिग्नल को सेंड करती है अर्थ पे। अर्थ पे हमारे पास डिश है, एंटीना है, वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है सेट ऑफ रूल, दैट ट्रांसमीटर मस्ट कम्युनिकेट विद द रिसीवर एट अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। ये जो हमारे पास है ना, ये क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही हमने क्या करना है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम ट्रांसमिशन करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये मैच करनी चाहिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। अगर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अर्ली रेडियो सिग्नल्स वर एनालॉग, बट टुडे मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स आर डिजिटल। ठीक है, पहले एनालॉग होते थे, अब डिजिटल होते हैं। अब रेडियो ट्रांसीवर क्या होता है, ट्रांसीवर इज अ डिवाइस विच कैन ट्रांसमिट, जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है, किसको, रेडियो सिग्नल को। ठीक है, हमारे पास एक रेडियो सिग्नल है ना, हमने भी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। सो क्या होता है, ये इस तरह इस सिग्नल को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है और रिसीवर, एंड कैन हैव अ कॉमन सर्किटरी इन अ सिंगल हाउसिंग। ठीक है, इसके अंदर कॉमन सर्किटरी होती है, मतलब एक सर्किट बनी होती है, एक हाउस के अंदर ही हम ये रखते हैं, और वॉइस जो है हमारे पास स्पीकर के थ्रू सबकी तरफ जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ रेडियो, अब रेडियो में क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या करता है और रिसीवर क्या करता है, वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेडियो है ना, वो क्या होता है, हमारे पास रिसीवर होता है, वो रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर अलग होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है ना, जहाँ से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसमीटर। ठीक है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं ना हमें, तो क्या होंगे, हमारे पास ट्रांसमीटर होंगे, और रेडियो जो होगा ना उस केस में हमारे पास रिसीवर होगा। लेकिन बहुत से मेनी केस में, लाइक सेल फोन्स, द डिवाइस सर्व्स द बोथ फंक्शंस। ठीक है, जो डिवाइस है ना, वो ऐसे सेंडर भी वर्क करती है और रिसीवर की भी, तो हम कहेंगे ट्रांसीवर है, वो सेंडर भी है और रिसीवर भी,
जो डिवाइस सेंडर भी होती है और रिसीवर भी होती है, हम उसको कहते हैं ये क्या है, ट्रांसीवर है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट वैप इज अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। ठीक है, अब वाईफाई के थ्रू जो डिफरेंट हमारे पास वायर्ड नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक हमारे पास नेटवर्क है, ये सब वायर से कनेक्ट है सारे सिस्टम्स। क्या करते हैं, वाईफाई के थ्रू भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हमारे पास वेब क्या करता है, कनेक्ट टू द वायर्ड नेटवर्क एंड देन ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स वायरलेसली टू ऑल द अदर वायरलेस डिवाइसेस सच एज लैपटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर हमारे पास जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, पीडीएस हैं, ठीक है, उन सबको हम ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स के थ्रू वायरलेसली हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं फॉर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट अवर वायरलेस नेटवर्क। अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अब उन्होंने भी अगर वायरलेस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो क्या करेंगे, वो एक लैन मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क में आप उसमें कनेक्ट होंगे। ठीक है, लैन प्रोटोकॉल यूज करेंगे और उसको हम कहते हैं वाईफाई। ठीक है, फिर जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको हम वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वाईफाई जो है वो लैन में वर्क करता है। टुडे मोस्ट कंप्यूटर्स आर कम फुली इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड वाईफाई, सो दे आर रेडी टू गेट कनेक्टेड टू द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। उनमें ऑलरेडी वाईफाई जो है हमारे पास इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है, तो वो ऑलरेडी रेडी होते हैं, हमें उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ती और वो डायरेक्टली जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब दो, ठीक है, दो यहाँ से एम्पलीफायर इन्हें आपस में कनेक्ट होना है, ट्रांसमिटर या रिसीवर है, तो अगर इन्होंने डेटा को ट्रांसमिट करना है तो आपस में लाइन टू लाइन कनेक्ट होंगे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कनेक्शन होगा, इसके बीच में यहाँ पे कोई ट्री नहीं आ सकता, कोई बिल्डिंग नहीं आ सकती, अगर आएगी तो जो हमारे पास डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर एंटीनाज आर इन द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पे दो एंटीनाज होते हैं और लाइन ऑफ साइट से कनेक्ट हुए थे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अगर इसके बीच में कोई और चीज आए तो ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं होगी। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन। हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी उनकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी मेरे सिग्नल्स बहुत खराब है। वेयर द सिग्नल्स कैन नॉट पास थ्रू द स्ट्रक्चर्स एंड हिल्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह है और जो पहाड़ है वो इनके बीच में नहीं आ सकते, अगर वो आएंगे तो सिग्नल को इंटरप्ट करेंगे और सिग्नल ट्रांसफर नहीं होंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होता है, ट्रांसमीटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग्स। ठीक है, जो हमारे पास बिल्डिंग्स है ना, या फिर यहाँ पर हम एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसके भी टॉप पे हम एक एंटीना कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, माउंटेन टॉप्स और हाई टॉवर्स, ठीक है, इन सब के ऊपर हम कर देंगे एंटीनास। रेलवे स्टेशन बूस्टर्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक एम्पलीफायर होगा या बूस्टर होगा, वो क्या करेगा, सिग्नल यहाँ से लेगा, फिर उसको रीएम्पलीफाई करेगा स्ट्रोंग करके, फिर दोबारा भेज देगा यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर जो हमारे पास लगा हुआ है ना बूस्टर, उसको भेजेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे ये, दोबारा इसको दोबारा एम्पलीफाई करेगा जितना हमारे पास वीक हुआ होगा, फिर दोबारा ये सेंड कर देगा स्टेशन टू स्टेशन, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन, आई होप सो आपको समझ आई होगी, इफ नॉट यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।